पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संबल पुलिस द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के लगातार उत्पीड़न से गुस्साई भाजपा की यूथ विंग भाजयुमो ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजयुमो ने कार्यकर्ता संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम और एसपी से शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों के न मिलने पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने गुस्सा जताया और नारेबाजी करते हुए एसपी और उनकी पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। करीब 6 घंटे धरने पर बैठे भाजयुमो कार्यकर्ताओं को समझाने पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही का आश्वासन देकर धरना शांत कराया। अपनी ही सरकार में पुलिस के खिलाफ घेराव, नारेबाजी और धरने का मामला संबल सदर तहसील का है। मामला तब गर्मा गया जब कुड़फतेहगढ़ थाना इलाके में भाजयुमो नेता के भाई को कुड़फतेहगढ़ पुलिस द्वारा बंद कर उसकी पिटाई का मामला सामने आया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष डॉक्टर विशाल चौहान ने मामले का संज्ञान लिया और पीड़ित कार्यकर्ताओं को थाने से छुड़ाया, जहां उसने अपनी बेरहमी से पिटाई का पुलिस पर आरोप लगाया था। थाने के गेट पर ही उसने अपनी आपबीती बताई थी। इस घटना समेत भाजपाइयों के खिलाफ पुलिस की कई दमात्मक कार्यवाही का विरोध जताने सैकड़ों महिला, पुरुष, बच्चे भाजयुमो जिलाध्यक्ष डॉक्टर विशाल चौहान के साथ संबल तहसील पहुंचे। संपूर्ण समाधान दिवस में सभी अपनी शिकायत दर्ज कराने चाहते थे, मगर समाधान दिवस में डीएम और एसपी मौजूद नहीं थे, जिससे भाजयुमो कार्यकर्ता भड़क गए। मौके पर मौजूद संबल एसडीएम ने इस दौरान ज्ञापन लेने की पेशकश की, लेकिन भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने से साफ मना कर दिया। सभी अधिकारियों से मिलना चाहते थे। नियत स्थल पर अधिकारियों के न मिलने के बाद गुस्साए भाजयुमो जिलाध्यक्ष ने एसपी पर गंभीर आरोप लगाए। सीओ के सरोज, कोतवाल सुमन कुमार और अमित कुमार समेत 3 कोतवालों पर भी भाजपाइयों की पिटाई करने, उन्हें बंद करने जैसे तमाम आरोप उन्होंने लगाए। सरकार की छवि खराब करने और गंभीर आर्थिक आरोप भी लगाए। बाद में एसपी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मौजूद भाजयुमो नेता, कार्यकर्ता और महिला, पुरुष और बच्चे धरने पर बैठ गए। अपनी ही सरकार में धरने पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं को करीब 6 घंटे का इंतजार करना पड़ा। तब कहीं जाकर अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जयसवाल पहुंचे और शिकायत को सुनने के बाद 1 सप्ताह के भीतर शिकायत का निस्तारण करने की बात कही। तब कहीं जाकर धरने पर बैठे लोग शांत हुए। जो कप्तान साहब हैं, यमुना प्रसाद जी जब से आए हैं और एक अधिकारी के सरोज जी हैं, ये प्रसाद इस प्रारंभ से ही युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कोई ना कोई अभद्रता कराते आए, और उन्होंने आज तक दोषी पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं प्रति माह कोई ना कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जहां वरिष्ठ कार्यकर्ता या भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता के साथ कोई ना कोई बदतमीजी, अभद्रता, मारपीट की घटना पुलिस द्वारा की जाती है। अभी पीछे 20 दिन पहले हमारे कार्यकर्ताओं को क्राइम ब्रांच उठाकर ले जाकर पीटा गया और उसके साथ बदतमीजी की गई, लेकिन अभी कल उसका मामला ठंडा नहीं हुआ, उसकी जांच अभी पूरी नहीं। अभी कल पुनः मंडल अध्यक्ष के घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी की गई, तोड़फोड़ की गई, और थाना कोटफतेहगढ़ में एक निर्दोष कार्यकर्ता को उठाकर थाने में रात भर बंद रखा गया। वो मलेरिया से पीड़ित था, उसे दवाई तक नहीं खाने दी गई, और सुबह उसे थाना प्रभारी ने जबरदस्ती गिरा कर मारा। उसके बाद जब मैं थाने पहुंचाऊं तो छोड़े, वो जवाब तक नहीं दे सके कि हम इसको क्यों बंद कर रहे हैं। ये क्या करना चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन? अपराधियों पर शिकंजा कसना चाह रही है, भाजपा कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसना चाह रही है? मुझे लग रहा है ये भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति, भाजपा सरकार के प्रति ऐसे अधिकारियों का षड्यंत्र है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराना चाहते हैं, सरकार की छवि गिराने का काम कर रहे हैं, छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। कौन अधिकारी ऐसे षड्यंत्र? यमुना प्रसाद जी एसपी है, के सरोज जी हैं, और इंस्पेक्टर अमित कुमार रजपुरा और इंस्पेक्टर इलम सिंह थाना बनिया ढेर सुमन कुमार जी, ये सभी ये अच्छे अधिकारी नहीं है। इनकी शिकायत अनेकों बार हो चुकी है, लेकिन कप्तान साहब की गुडबुक में है, उनके कमाऊ पूत हैं, उनको हटाना नहीं चाहते, और दूसरी बात उनकी मंशा को पूर्ण करना चाहते हैं। जिस प्रकार की कप्तान साहब भाजपा कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिराना चाहते हैं, उनकी मंशा को पूर्ण करने का काम ये अधिकारी कर रहे हैं, इसलिए ये कार्रवाई नहीं कर रही। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और उनके कुछ साथी कार्यकर्ता थे, इनका कुछ पुलिस कर्मियों पे उनके व्यवहार को लेके और जो है उनकी कार्यपद्धति को लेके आरोप है, इसकी जांच कराई जाएगी। अगर उनकी बात सही पाई जाएगी तो बिल्कुल उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे कि कई थानों में ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जो है कार्यकर्ताओं पर इनकी सारी बातों की जाँच कराई जाएगी और 1 सप्ताह के अंदर ही जांच कराई जाएगी। अगर इनकी बात सही पाई जाती है तो इनके विरुद्ध कार्रवाई। सर, कि एक अपराधी का छापा मारा था जिस तरह से तोड़फोड़ की थी, तो वो क्या अपराधी को भी रोक सकते हैं? सारी बात हो गई मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं।